हेलो एवरीवन, मैंने अमेज़ोन जो कि बहुत ही बड़ी कंपनी है सो कॉल्ड, जिसकी मैं 10 सालों से कस्टमर हूँ, लगभग 7-8 सालों से प्राइम मेंबर हूँ। मैंने 9 मार्च को एक पेन ड्राइव ऑर्डर किया था जो कि 10 मार्च को रिसीव हुआ। मैंने यूज़ करके देखा, वो फ्रेंडली नहीं था, यूज़र फ्रेंडली नहीं था, और जिस पर्पज़ के लिए मैंने मंगवाया था अपने आईफोन के लिए, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। तो मैंने तुरंत ही कस्टमर केयर को कॉल किया, उनको अपनी प्रॉब्लम बताई, उन्होंने सुना तो उन्होंने रिटर्न रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और 12 मार्च को ये रिटर्न शेड्यूल हुआ। रिटर्न गया, कुरियर बॉय आया, डिलीवरी बॉय, उसने देखा, मैंने अच्छे से पूरा फिर से पैक करके एज इट इज़ विद ओरिजिनल बिल्स एंड टैक्स, क्योंकि मैं 8-10 सालों से शॉपिंग कर रही हूँ तो मुझे पता है कैसे रिटर्न होता है। मैंने ओरिजिनली उसको यहाँ पे अच्छे से पैक करके रिटर्न कर दिया, सक्सेसफुली रिटर्न हो गया। डिलीवरी बॉय को मैंने बोला भी कि भैया चेक कर लो, उन्होंने चेक किया सामने, क्योंकि ये 5119 रुपये का प्रोडक्ट था, तो उन्होंने सामने ही चेक किया, चेक करके लेके गए, अपडेट हो गया, रिटर्न पिक्ड सक्सेसफुली। उसके बाद मैं चली गई बाहर, मैं एक हफ्ते बाद लौट के आई तो सोचा चलो देखूँ पैसे आए कि नहीं आए। अभी भी मेरा पैकेट दिखा रहा था कि योर पैकेट में भी लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट। मुझे लगा ये क्या है, तो मैंने 29 मार्च को कॉल किया। उसके बाद जब होली आ गई, तो होली जब बीत गई तो मैंने फिर भी देखा सेम कंडीशन है। यहाँ से मेरा प्रोडक्ट ट्रैक करने पे दिख रहा था, यहाँ से गोंडा हब गया था, उन्नाव हब गया था, उसके बाद से कोई अपडेट नहीं था उसका 15 मार्च के बाद से, और लिखा हुआ था कि योर पैकेट में भी लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिट, आप अपनी हेल्प के लिए कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट करें। तो मैंने 29 मार्च को कस्टमर सर्विस को कॉल किया पूछने के लिए कि क्या अपडेट है। तो उन्होंने जब चेक किया स्टेटस तो बोला कि आप अब 3 अप्रैल को कॉल करिएगा, 4 दिन का हमें समय चाहिए, हमने दे दिया। मैंने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लीजिए, मैं फिर 3 तारीख को कॉल करूँगी। जब 3 तारीख को मैंने कॉल किया तो जो कस्टमर एग्जीक्यूटिव थी उनका नाम रुचि था, अनफॉर्चुनेटली मैंने कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ होता तो शायद मैं करती। तो उन्होंने बताया कि फाइनल वर्डिक्ट और फाइनल इंक्वायरी आ चुकी है कि आपने गलत प्रोडक्ट दिया था, इसलिए हम आपका कोई भी रिफंड नहीं कर रहे हैं। इतना सुनते ही मेरे मुंह से बस ये निकला, व्हाट, रिफंड नहीं कर रहे, ये क्या बात हुई। तो कहती है मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगी, मैं फ़ोन कट कर रही हूँ। और इमिडिएटली उसने ऑन माई फेस फ़ोन कट कर दिया, बिना मुझे सुने कि मैं कुछ बोलती, फ़ोन कट कर दिया। लिटरली आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या, मतलब मेरा पेन ड्राइव भी गया, मेरे पैसे भी गए, कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है। तब से लेकर के आज तक, 4 तारीख से लेकर के आज 7 तारीख हो चुकी है, मैं 3 से 4 दिन हो गए हैं सिर्फ और सिर्फ कस्टमर केयर को कॉल करती हूँ, उनके एग्जीक्यूटिव से बात करती हूँ, अपनी पूरी कहानी उनको बताती हूँ, बट वही बात, कभी वो कहते हैं कि आपने गलत प्रोडक्ट दिया है, कभी वो कहते हैं कि आपने प्रोडक्ट को ओपन कर दिया था जो कि ऑब्वियसली मैंने ओपन किया था, कभी वो कहते हैं कि दैट वाज अ जंक आइटम, जबकि वो मेरे दरवाजे से सक्सेसफुली पिकअप हुआ था, चेक करने के बाद गुंडा और नाव हब तक गया भी था, बीच में कहीं फ्रॉड हुआ है, या तो वो जो मेन उनका जो रिसीव करने वाला है उसने फ्रॉड किया है जानबूझ के, या तो बीच में किसी डिलीवरी बॉय या किसी हब से ये फेर बदल हुई है, ये फ्रॉड हुआ है, लेकिन वो अपने कस्टमर पे ब्लेम कर रहे हैं। किसी भी केस में कस्टमर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। हम लोग ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि एक बार सक्सेसफुली रिटर्न दे दें, बीच में आपके प्रोडक्ट के साथ क्या होता है इसकी जिम्मेदारी कस्टमर कैसे होगा। मैंने इतनी शिकायतें की, इतने ईमेल किए, कोई भी बात सुनने को वो तैयार ही नहीं है, रटा रटाया डायलॉग है, फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है, फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है ये लोग। मैंने सोचा था कि एज अ रिलायबल कस्टमर, एज अ बॉन्डिंग, मैं पहले अमेज़ॉन से इसको डील करने की कोशिश करूं। मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, वहाँ पे अमेज़ॉन हेल्प से मदद ली, सेम वो भी मुझे अमेज़ॉन कस्टमर केयर तक पहुँचा देते हैं घुमा फिरा के कि आप वहाँ बात कर लो। मीन्स ये लोग सिर्फ घुमा रहे हैं, अपने कस्टमर को सुन भी नहीं रहे हैं। मुझे मजबूरन कल कंज्यूमर सपोर्ट से हेल्प लेनी पड़ी है, NCH नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में मैंने
किया है कंप्लेन, होपफुली कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आए कल। अभी तक तो इन प्रोसेस ही दिखा रहा है, कल मंडे है, मैं भी कल कुछ काम आगे बढ़े, बट स्टिल मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ अमेज़ॉन को ये बताने के लिए कि आपके टीम में कितना फ्रॉड हो रहा है और आपके कस्टमर के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, जो कि 10 सालों से आपका कस्टमर है। मेरे पास सारा डेटा है, यहाँ से सामान के जाने का, गोंडा उन्नाव तक बीच में खोने का वो मैसेज है। अगर प्रोडक्ट खोया है तो मेरे पास से गलत कैसे गया है, अगर खोया है, अगर बीच में बदला गया है, तो उसके लिए वो आपकी टीम, वो आपका हब, वो आपके डिलीवरी मैन जिम्मेदार हैं। एक कस्टमर कैसे ज़िम्मेदार हो गया है, मैं यहाँ से सही पार्सल रिटर्न कर रही हूँ, बीच में कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार मैं क्यों हूँ, मुझ पे सारा ये कॉस्ट क्यों थोपा जा रहा है। तो मेरा तो सामान भी गया और मेरे पैसे भी। और कल तो इन्होंने हद ही कर दी थी अमेज़ॉन में, OFM इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट ईमेल है, उन्होंने मुझे मेल भेजा कि हम अभी भी आपका रिफ़ंड कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ओरिजिनल प्रोडक्ट हमें अभी भी लौटा दें जो आपके पास है। दैट्स सो डिफेमिंग, मीन्स आप एक तो कस्टमर का सामान ले रहे हो, पैसे ले रहे हो, ऊपर से आप डिफेम कर रहे हो कि कस्टमर आपका चोर है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस पर हंसूँ, मैं इस पर गुस्सा करूँ, मैं क्या करूँ। आपका डिलीवरी बॉय यहाँ से सक्सेसफुली पिकअप कैसे कर लेता है प्रोडक्ट, क्यों वो जाकर के गोंडा हब पे नहीं लिखवा रहा है कि गलत आइटम आया है, कैसे वहाँ से प्रोडक्ट आगे चला गया, कैसे मनकापुर से आगे चला गया। उस डिलीवरी बॉय को पता तो था ना कि क्या लेने आया है रिटर्न में, उनको पूरी एक स्लिप मिलती है जिसमें वो बाकायदा आके फ़ोटो लेते हैं, स्कैन करते हैं, तब लेके जाते हैं। ऐसा तो नहीं है जूता है तो मैं उनको कपड़ा रख के दे दूँगी, पेन ड्राइव के बदले पेन ड्राइव ही लेके गए थे। इवन उस दिन क्योंकि 5119 रुपये का प्रोडक्ट था, उन्होंने अच्छे से चेक किया था और मैंने बोला था भैया चेक कर लो, गिरा मत देना, छोटी चीज़ है। कहा नहीं मैम आप चिंता मत करिए, हाँ हो गया है। देन मेरे पास सक्सेसफुली मैसेज आया था। तो मैं अमेज़ॉन के खिलाफ ये एक तो मानहानि, मेंटल हरासमेंट, प्लस मेरे पैसे का नुकसान, समय का नुकसान, सबका केस करना चाहती हूँ सब, क्योंकि एज ए कस्टमर ना हमारे पास कोई प्रूफ है, ना हमने रिकॉर्डिंग की, ना हमने वॉइस रिकॉर्डिंग की, ना हमने वीडियो रिकॉर्डिंग की। हमारे पास प्रूफ सिर्फ इतना है कि हम प्रोडक्ट को दे रहे हैं और जो जितना डेटा मेरे पास आया सक्सेसफुली पिक होने का, अगले हब में जाने का, और आपका पार्सल खो गया है, ये अमेज़ॉन की तरफ से ही अपडेट आया है। तो मुझे इसका जवाब चाहिए, मैं इस जो नुकसान को क्यों बेयर करूँ, आप बेयर करें। अगर आपकी तरफ से फ्रॉड हो रहा है, आपकी तरफ से पार्सल मिस हो रहा है, तो आप सोच रहे हो कि सारा जो बोझ है वो अपने कस्टमर को दे दो, क्या ही कर लेगा कस्टमर। जी नहीं, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। मैं एज ए कस्टमर अमेज़ॉन कस्टमर से साथ ही साथ कंज्यूमर फोरम से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे न्याय दें। पैसा तो मेरा गया ही, समय, एनर्जी, बदनामी, झूठा इन्होंने मुझे साबित किया है, मेरी मानहानि, हर चीज़ के खिलाफ मैं लड़ना चाहती हूँ। तो कंज्यूमर फोरम से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पर कड़ा से कड़ा डिसीजन ले, ताकि अमेज़ॉन की टीम भी किसी कस्टमर को इस तरह से परेशान करने के पहले 100 बार सोचे, अपने कस्टमर की बात सुने, उसकी रिलायबिलिटी चेक करे और अपनी टीम का फ्रॉड चेक करे, और एटलीस्ट अपने इतने पुराने कस्टमर पर विश्वास करना सीखे। सो प्लीज़ सपोर्ट मी और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।